वह नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जाट शर्मा और जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2022 जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर जो है वो स्मार्टफोन लॉन्चेस आते जा रहे हैं भयंकर भयंकर वाले। सबसे पहले जो जनवरी है उसके अंदर वन प्लस 10 प्रो रिलीज होएगा, फरवरी के अंदर सैमसंग गैलेक्सी S22 और उसके बाद मार्च अप्रैल तक जो है वो पिक्सल 6a जो है वो आने वाला है। और इन तीन स्मार्टफोन के बारे में ही जो है मैं आपको बात करने वाला हूँ। ये कोई टॉप 3 लिस्ट नहीं है जहाँ पे मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि स्मार्टफोन आने वाले हैं, वेट करो इनका और फिर जब ये लोग रिलीज हुए तो फटाक से के खरीद लो। ये बिल्कुल ऑपोजिट वीडियो है जिसके अंदर मैं इन वाले स्मार्टफोन के फ्लॉज के बारे में बताने वाला हूं और कैसे ये वाले स्मार्टफोन जो है वो इंडियन मार्केट के हिसाब से अच्छे नहीं है। तो क्या करें हम लोग, जागृत फिर कोई फोन ले ही ना क्या? मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई सा भी स्मार्टफोन मत लो, लेकिन हर लोग की प्रेफरेंस जो है वो अलग होती है। कुछ लोग जो है परफॉर्मेंस चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो अच्छा कैमरा चाहते हैं, कुछ लोग अच्छा सॉफ्टवेयर चाहते हैं। तो ये सारे सारे स्मार्टफोन उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो स्टैंड आउट होते हैं, लेकिन कोई सा भी परफेक्ट पैकेज आपको देखने को नहीं मिलता है कहीं पर भी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करना चाहूंगा पिक्सल 6a के बारे में जो कि मार्च में जो है वो रिलीज होएगा। उसके बाद मैं S22 के बारे में बात करूंगा, फिर वन प्लस 10 के बारे में बात करूंगा, इसलिए पूरी वीडियो को जो है वो एंड तक देखना। और पिक्सल 6a के बारे में मैं इससे सबसे पहले बात करूंगा क्योंकि ये जो है वो इंडियन मार्केट के हिसाब से सबसे ज्यादा रेलेवेंट और तगड़ा वाला स्मार्टफोन है जो कि लैंडस्केप को चेंज करने वाला है, क्योंकि ये एकमात्र स्मार्टफोन है जो कि गूगल जो है वो रिलीज करेगा काफी ज्यादा टाइम बाद। और ये जो है वो एकमात्र स्मार्टफोन है जो कि आपको स्टॉक एंड्रॉइड प्रोवाइड कर रहा है। अभी इंडियन मार्केट के अंदर जितने भी स्मार्टफोन है, रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो वगैरह जितने भी हैं, वो कोई ना कोई सी स्किन जो है वो एंड्रॉइड 12 के ऊपर जो कि चढ़ा के देते हैं। और जैसा गूगल ने AOSP बना रखा है, जो एक्सपीरियंस वो लोग शेयर करना चाहते हैं लोगों से एंड्रॉइड के जरिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गूगल के अंदर देखने को मिलता है। गूगल 5 के बाद से गूगल 5a भी जो है वो इंडिया के अंदर रिलीज नहीं हुआ था और अभी इस वक्त अमेजोन पर मिल रहा है, लेकिन वो जो है वो इम्पोर्टेड है, तो लगभग 10 से 20 हजार रुपए ज्यादा महंगा मिल रहा है वो 5a। 6 और 6 प्रो तो आए ही नहीं इंडियन मार्केट में, लेकिन कुछ रूमर्स जो है वो उठ रहे हैं कि 6a जो है वो आएगा, जो कि 6 वाला जो है वो डिजाइन प्रोवाइड करेगा, लेकिन पीछे की तरफ कैमरास जो है वो थोड़े से कम होंगे। इसके अंदर भी जो है वो गूगल की टेंसर चिप जो है वो आएगी और सबसे ज्यादा भयंकर वाली बात ये है कि टेंसर चिप जो है वो इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है एज कम्पेयर टू, अगर मैं स्नैपड्रैगन वगैरह की बात करूं तो टेंसर चिप जो है वो इतना ताकतवर नहीं है, बट अपेरेंटली वो मिड रेंज सेगमेंट में रिलीज कर रहे हैं और हो सकता है टेंसर वगैरह के लाइसेंस वगैरह की दिक्कत आए इंडिया के अंदर, तो हो सकता है इसमें स्नैपड्रैगन वगैरह का प्रोसेसर आ जाए, लेकिन कैमराज जो है वो एक नंबर होंगे और इसमें एंड्रॉइड 12 जो है वो एक नंबर चलेगा, जो UI है बिल्कुल स्टॉक टू एंड्रॉइड है, तो ये बहुत ज्यादा प्यारी जो है वो चलने वाली है। और ये जो है वो लगभग 30 से 40 हजार के बजट के अंदर रिलीज होएगा, तो ये नॉर्ड वगैरह को तो मतलब मार ही सकता है क्योंकि उनके अंदर भी कोई भयंकर वाले स्पेसिफिकेशन आते नहीं टू बी ऑनेस्ट। और वाकई में ये वाला स्मार्टफोन जो है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल जाएगा अगर जो है गूगल इसको इंडिया के अंदर रिलीज करता है। मैं दूसरे स्मार्टफोन की बात करूं तो वो जो है वो है सैमसंग गैलेक्सी S22 और S22 सीरीज पूरी की पूरी अल्ट्रा वगैरह को मिला के ही बात कर रहा हूं मैं। और ये वाले स्मार्टफोन जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहते हैं, मतलब अभी भी मेरे दोस्त जो है वो सैमसंग वगैरह के स्मार्टफोन खरीदते हैं और जब वो मुझे आके दिखाते तो मैं उनसे एक ही चीज पूछता हूं कि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो कौन सा है, और वो लोग बोलते हैं कि भाई हमको अभी पता है टेक के बारे में, तू अकेला टेक यूट्यूबर नहीं है, हम भी वीडियोस देखते हैं MKBHD वगैरह की और इसके अंदर स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है। तो मैं उनको जो है वो काइंडली यही बोलता हूँ कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर नहीं है, इसके अंदर एक्साइनस का प्रोसेसर है, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर सैमसंग जो है वो स्नैपड्रैगन प्रोवाइड नहीं करता है, वो जो है वो एक्साइनस प्रोवाइड करता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्साइनस जो है वो वाकई में बेकार है और बहुत ज्यादा थर्ड क्लास चिपसेट है, टू द पॉइंट बात करूं तो वो स्नैपड्रैगन जितना ताकतवर नहीं है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर भी करता हूँ, स्नैपड्रैगन 888 को और एक्साइनस के लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 2100 प्रोसेसर को, तो ये जो है वो पीछे रह जाता है, मतलब सेकंड बेस्ट है लेकिन बेस्ट नहीं है। और मैं 1 लाख का स्मार्टफोन जो है वो खरीद रहा हूं तो मुझे बेस्ट चीज चाहिए ऑब्वियसली, तो सैमसंग वो वाली चीज जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर डिलीवर करने में थोड़ा सा पीछे रह रहा है। और यहां मैं बात करूं S22 के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो एक्साइनस 2200 प्रोसेसर जो है वो आएगा, जो कि डायरेक्ट राइवलरी देता है अपने स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 को। और टू बी ऑनेस्ट उस वाले प्रोसेसर के अलग ही इश्यूज चल रहे हैं, मतलब उसके डैडी इश्यूज अलग चल रहे हैं, वो जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है और जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर उसके थर्मल्स को जो है वो संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी तक जितने भी स्मार्टफोन्स में वो आ रहा है वो जो है वो हद से ज्यादा गर्म हो रहे हैं भारी टास्क से अंदर। तो अपेरेंटली वो जो है वो कंप्लीट पैकेज रहेगा, कैमरास वगैरह अच्छे रहेंगे, हालांकि पिक्सल जितने अच्छे नहीं होंगे लेकिन फिर भी काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे, लेकिन वो जो है वो भी स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर पीछे रह जाएगा क्योंकि उसके अंदर जो है वन UI आती है। वन UI जो है वो अच्छी यूजर इंटरफेस, में ये नहीं बोल रहा कि बेकार है, लेकिन फिर भी वो स्टॉक एंड्रॉइड नहीं है। और मैं बात करना चाहूंगा सबसे लास्ट एंट्री की और वो है वन प्लस 10 प्रो। अब वन प्लस 10 प्रो जो है वो काफी ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन था उन लोगों
लोगों ने कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर काफी अच्छे अच्छे चेंजेस जो है वो करे रिसेंट ईयर्स के अंदर हैसलब्लैड के कोलैबोरेशन के साथ में। अच्छी खासी बैटरी लाइफ, फास्ट चार्जिंग, भयंकर वाले डिस्प्ले, अच्छा खासा कैमरा, तो एक तरीके से वो कंप्लीट पैकेज था। लेकिन इन्होंने अभी अभी रिसेंटली बिल्कुल नया फ्रेश हग दिया। ये लोग अब जो है वो कलर ओएस का सोर्स कोड यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन ओएस के अंदर, जो कि वापस से इसको स्टॉक एंड्रॉइड से जो है वो हटा रहा है। थीम स्टोर वगैरह आ रही है मेरे फोन के अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने ये वाला फोन नहीं लिया था। और अब जो है वो लोग बोल रहे हैं कि 10 प्रो कब ले रहे हो, जागृति ये वो ये वो। तो अब जो है मैं ये वाला स्मार्टफोन ही चलाऊंगा, मैं जो हूँ वो 10 प्रो नहीं लूंगा, क्योंकि इस वाले स्मार्टफोन का डेवलपमेंट अब जाके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब जाके इसके लिए अच्छी अच्छी रॉम्स जो है वो आ रही हैं, तो अब इसका डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो फिर मैं इसके अंदर कोई कस्टम रॉम वगैरह फ्लैश करूंगा एंड्रॉइड 12 की, जो कि मुझे स्टॉक एक्सपीरियंस जो है प्रोवाइड करेगी। अगर मैं अभी 10 प्रो ले लेता हूँ तो फिर उसके बाद मुझे वापस से साल भर तक का इंतजार करना पड़ेगा उसका डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग होने के लिए, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ 8 प्रो वगैरह की जो रॉम्स है वो बहुत ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू 9 प्रो। तो यही थे मेरे टॉप 3 स्मार्टफोन्स और उनके फ्लॉज। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आप जो है वो कौन सा वाला स्मार्टफोन लोगे, क्योंकि हर बंदे की चॉइसेस जो है वो अलग होती है। अगर आपको यूजर इंटरफेस वगैरह से कोई सी भी दिक्कत नहीं है तो OnePlus 10 Pro इज लाइक द बेस्ट स्मार्टफोन। सस्ते के अंदर आपको काफी ज्यादा 20 स्पेसिफिकेशन जो है वो ऑफर कर रहा है, मतलब सैमसंग से अच्छा प्रोसेसर जो है वो आपको OnePlus के स्मार्टफोन्स में देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। और अगर आपको यूजर इंटरफेस से प्रॉब्लम है तो फिर जो है वो गूगल पिक्सल 6a का ही वेट करना, जो है मार्च वगैरह तक जो है वो आएगा। और मैं जो हूँ उस वाले स्मार्टफोन को लेकर उसका रिव्यू करूंगा। अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है तो फिर प्लीज सब्सक्राइब करना इस वाले चैनल को। और अगर आपको एस पेन वगैरह और वो दुनिया भर की चीजें चाहिए जो कि सैमसंग ऑफर करता है, फिर आप सैमसंग की वन UI भी जो है वो चला सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है भाई, लाइक करना इस वाले वीडियो को, सब्सक्राइब करना, एंड दिस इज स्टेट साइनिंग ऑफ। जय हिंद। दोस्तों मेरा नाम है जाव शर्मा।